भारतीय परंपरा में तीर्थ यात्रा का विशेष महत्व है। अधिकांश भारतीय तीर्थ स्थल न केवल आपको धार्मिक और सहिष्णु बनाते हैं अपितु प्रकृति प्रेमी भी बनाते हैं। ये यात्राएं प्रकृति को और अच्छे से समझने का मौका हमें प्रदान करती है और साथ साथ हमारे भीतर के संसार को बाहर के संसार से जोड़कर समृद्ध बनाती है। और अगर बात उत्तराखंड की करें तो यहाँ प्रकृति ने अपने सभी स्वरूपों को स्वच्छंद होकर प्रकट किया है, जो धार्मिक के साथ साथ रोमांचित कर देने वाले वातावरण को हमारे भीतर जन्म देती है। साथियों, स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल में। मैं आज लेकर आया हूँ पंच केदारों में से एक केदार कल्पेश्वर धाम की पूरी जानकारी अपनी इस वीडियो में। भगवान शिव के जटाओं का पूजा स्थल है कल्पेश्वर महादेव मंदिर। कई कहानियों और कई कथाओं के सार को समेटा हुआ यह महादेव का मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में प्रकृति की गोद में बसा यह शिवधाम अलौकिक और रमणीय है। समुद्र तल से लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई में स्थित यह मंदिर पंच केदारों में पांचवा केदार है। एक बहुत बड़े विशालकाय पत्थर में गुफा के स्वरूप में यह मंदिर स्थानीय लोगों की अपार श्रद्धा एवं आस्था का केंद्र है। दोस्तों, आप बात करें यहाँ पहुँचने की, यहाँ पहुँचने के लिए ऋषिकेश से श्रीनगर होते हुए बद्रीनाथ मार्ग पर हेलंग नामक स्थान तक आना होता है। यह मुख्य मार्ग प्राकृतिक नदी, झरनों, पक्षियों के कलरव से आपकी यात्रा को सुखद बनाता है। हेलंग पहुँचकर मुख्य मार्ग जोशीमठ बद्रीनाथ को जाता है और बाई ओर की सड़क उर्गम घाटी अर्थात कल्पेश्वर धाम की ओर जाती है। हेलंग बद्रीनाथ से मात्र 55 किलोमीटर पहले एक छोटा सा कस्बा है जो कि चमोली से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। हेलंग से बाई ओर लगभग 12 किलोमीटर की एक कच्ची सड़क कल्पेश्वर की ओर जाती है। मार्ग में जल विद्युत परियोजनाएं भी देखने को मिलती हैं। यह मार्ग बेहद शांत, सुखद और नैसर्गिक आनंद को प्रदान करने वाला है। बांज बुरांस के सघन वनों से निकलने वाली शांत और सुरम्य हवा आपकी सारी थकान और परेशानियों को दूर कर देती है। यह सड़क अभी निर्माण अवधि में है, इसलिए मार्ग बहुत अच्छा नहीं है। मार्ग में घने जंगलों के बीच बीच कहीं कहीं पर्वतीय गांव नजर आते हैं और लगभग इसी प्रकार इन नदी पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए लगभग 10 किलोमीटर चलने पर इस पथरीले और कच्चे रास्तों पर चलने से उर्गम गांव आता है। यहां एक छोटी सी बाजार है जहां छोटे रेस्टोरेंट और कुछ होटल आदि यात्रियों के ठहरने के लिए उपलब्ध हैं। यहां से लगभग 2 किलोमीटर आगे चलकर फिर उसी पगडंडी नुमा सड़क पर हमें चलना होता है और हम बाइक पर सवार होते हुए कल्पेश्वर मंदिर की ओर पहुंच गए। गाड़ियों की पार्किंग के लिए यहां एक बड़ा सा मैदान बना हुआ है और एक आकर्षक पुल के पार बसा है दिगंबर अवधूत भगवान शिव का धाम कल्पेश्वर महादेव। कल्पेश्वर कल्पगंगा के तट पर स्थित यह पांचवा केदार मन को शांति प्रदान करने वाला है। निर्झर गीत सुनाती बहती हुई ये कल्पगंगा की ध्वनि ऐसे प्रतीत होती है मानो ओंकार का नाद कर रही हो। शिव चरणों को धोती हुई वह सुंदर गीत सुनाती है। लगभग 100 मीटर की सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद हम प्रवेश करते हैं इस गुफानुमा मंदिर में। मंदिर में कई देवी देवताओं के विग्रह मौजूद हैं। यज्ञधुनी, हनुमान, भैरव, दुर्गा आदि का पूजा स्थल शिव गुफा के बाहर स्थित है और भगवान शिव विराजमान हैं एक छोटी सी गुफा में भव्य स्वरूप में। हमने जब भगवान शिव के दर्शन किए, हम अभिभूत हो गए। बिल्कुल शांत निर्विकार स्वरूप में ऐसा लग रहा था कि मानो शिव साक्षात हमारे सामने विराजमान हैं। हम सुबह सुबह यहाँ पहुँचे हुए थे, उसी समय पुजारी जी यहाँ पर पूजा करने की तैयारी कर रहे थे और वाकई यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी और कुछ देर बाद उन्होंने यहाँ पूजा की।
कल्पेश्वर शब्द का अर्थ है कल्पना अर्थात इच्छा मन की, और ईश्वर का अर्थ है भगवान अर्थात मन की इच्छाओं को कल्पनाओं को जो पूरा करे वह कल्पेश्वर कहलाता है, अर्थात ऐसे देवता जो मन की हर इच्छा को पूरा करते हैं। यहाँ के संबंध में कई कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, कई कथाएँ प्रसिद्ध हैं। एक कथा के अनुसार जब दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के स्वागत हेतु उन्हें माला भेंट की तो अहंकार स्वरूप इंद्र ने वह माला स्वयं न पहनकर अपने हाथी को पहना दी, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दे दिया और उसी श्राप को काटने के लिए इंद्र ने इस स्थान पर भगवान शिव की आराधना की और उन्हें यहाँ पर भगवान शिव को प्रसन्न करना पड़ा। और भी अन्य कथाएं इस स्थान के लिए प्रचलित हैं। यहाँ एक पवित्र कुंड भी है जो बड़ी बड़ी पत्थर शिलाओं के बीच में स्थित है, जहाँ का जल गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है और इसको सभी भक्त अपने घरों को लेके चलते हैं और इसी से होता है भगवान शिव का अभिषेक। महाभारत काल से जुड़ी हुई कई कथाएं और इतिहास हमने यहाँ पंडित जी से जाना, आइए सुनते हैं उन्होंने हमें क्या बताया। कल्पेश्वर मंदिर का जो महत्व है वो हमें यहाँ के प्रधान पुरोहित बताने का कष्ट करेंगे। पंच केदारी में पांचवा स्थान भगवान कल्पेश्वर का, पहले जो है केदारनाथ, उसके बाद मधमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ। कल्पनाथ में भगवान की जटा से विख्यात हैं, यहाँ पर जटा की पूजा होती है और ये मंदिर जो है 12 महीना खुला रहता है, ये शीतकालीन में बंद नहीं होता है। यहाँ से जो है रुद्रनाथ में जो है भगवान का फेस की पूजा होती है, चेहरे की पूजा होती है, वहाँ पर जो है भगवान शंकर जो है दिव्यमान है चेहरे में है। और उसके बाद जो है आगे तुंगनाथ में जो है भगवान की भुजा है, तो भुजा की पूजा होती है। और मधमेश्वर में मध्य भाग भगवान शंकर का, तो मध्य भाग की पूजा होती है। और केदारनाथ में जो है पृष्ठ भाग है भगवान शंकर का, तो पृष्ठ भाग की पूजा होती है। यहाँ पर ये पंच केदारी में पांचवा स्थान भगवान कल्पेश्वर का, यहाँ पर जो है जटा है और जटा की पूजा होती है। जटा से जो है यहाँ पर जल निकलता है, गंगा जी निकलती है जो कि पीछे मंदिर के पीछे जो है कुंड के रूप में जमा होता है और उसी जल से जो है भगवान का अभिषेक होता है, भगवान का अभिषेक होता है। और बगल में जो है हिंगावती नदी बहती है, हिंगावती नदी जब भगवान के चरणों से नीचे को जाती है तो उसके इसको जो है कल्पगंगा कहते हैं। कल्पगंगा आगे त्रिवेणी में जाके के अलकनंदा से मिलती है और अलकनंदा जो है देवप्रयाग में जाके गंगा से मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है भगवान शिव की जटा है और जटा की पूजा हर दिन होती है, 12 महीना पूजा होती है यहाँ पर। धन्यवाद पंडित जी। यहाँ कोई खास मेला भी आयोजित होता है? जी, मेले जो है जैसे जो है कि शिवरात्रि का पर्व है, माघ का महीना है, सावन का महीना है, तो विशेषकर सावन के महीने और माघ के महीने जो है सोमवार को जो है यहाँ पर जो है काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और जो है भगवान का दर्शन करते हैं। और कल्पनाथ कहने का मकसद यह है कि जो आपके भाव मन में कल्पना है, जो भाव है, उसको जो है भगवान अवश्य पूरा करता है, उसकी कल्पना पूरी कर देता है। यहाँ आप लगभग कितने सालों से पूजा कर रहे हैं? मुझे कम से कम 10-15 साल हो गए यहाँ पर पूजा करते हुए। जी धन्यवाद, धन्यवाद आपके लिए। जी, आपका नाम क्या बताया? मेरा नाम दरवान सिंह नेगी, उर्गम के रहने वाले हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। भगवान केदार के पंचम धाम की, कल्पेश्वर की, जहाँ जटाओं के रूप में भगवान शिव की पूजा होती है। इससे पहले भी भगवान केदार के जो स्वरूप हैं तुंगनाथ और रुद्रनाथ, उनकी वीडियो बना चुका हूँ। इससे पहले भी आप उन वीडियोज को देख चुके हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल में तुंगनाथ रुद्रनाथ की वीडियो आप पा सकते हैं। और उम्मीद है आप मेरे चैनल को यूं प्यार देते रहेंगे। तो तब तक के लिए नमस्ते, फिर किसी एक सुंदर सी वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होता हूँ। हर हर महादेव।